कोई नहीं है यहाँ पर। ये जो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। जगह जो है ना बहुत ज़्यादा क्रीपी है, बिल्कुल भी कोई नहीं है यहाँ पे। देख रहे हो यहाँ पे, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। बिल्कुल कोई नहीं है यहाँ पर। ये जो है एक सेमिट्री है जो ऑलमोस्ट 350 साल पहले बनाया गया था यहाँ पर, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो आते थे इंडिया में उनको दफनाया जाता था यहाँ पे, जो उनका डेड हो जाने के बाद सब। ये जो सेमिट्रीज है बहुत बड़े है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं सेमिट्री, क्योंकि उस टाइम पे, मैं स्टोरी बाद में बताता हूँ आपको, पहले देख लीजिए फिर बैठ के बताएंगे। इनका एज था 24 ईयर्स, 24 साल की उम्र में मर गए। 1821 इज डेड, 1821 ऑलमोस्ट आज से एकदम 200 साल पहले, 200 साल पहले मर गए थे 24 साल की उम्र में। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका जो सेमिट्रीज है बहुत ही बड़ा है, काफ़ी बड़े बड़े सेमिट्रीज बनाते हैं यहाँ पे उस टाइम पे। ये भी इनका भी डेट हुआ है 1821 में, 14th August। अभी इस जगह में जो प्रॉब्लम ही है कि यहाँ पे ये लोग, ब्रिटिशर्स जो आते थे यहाँ पे, इतना कम उम्र में मारे इसलिए गए, लड़ाई की वजह से नहीं मारे गए। ये यहाँ पे मारे गए जब उस टाइम पे यहाँ पे आते थे लोग, जब डिप्लॉय किया जाता था इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कॉलेरा, जॉन्डिस और इन बहुत तरीक़ों से मार जाते थे वो लोग बहुत ही कम उम्र में। तो उस टाइम पे पहले पहले जब इंडिया का कैपिटल होता था कोलकाता, तब यहाँ पे वो लोग आना नहीं चाहते थे, डिप्लॉय नहीं होना चाहते थे यहाँ पे, उनको डिप्लॉय नहीं करना चाहते थे कोई, वो लोग आना नहीं चाहते थे पर्सनली। तो उनका जो डेथ हो जाता था बहुत ही कम एज में, तो उनको याद रखने के लिए इस जगह को बनाया गया, इतने बड़े बड़े जो है उनके लिए, क्या बोलते, इनको सेमिट्री बनाया गया उनके लिए, कब्र बनाया गया उनके लिए। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो। और ये कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, कोलकाता का ही नहीं ऑल ओवर इंडिया का, बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होता है ऐसा बोला गया है, बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होता है। लेकिन जो मैं कुछ ऐसा कुछ यकीन नहीं करता हूँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, बट यहाँ पे सुना जाता है, आप गूगल में सर्च करने से भी मिल जाएगा आपको। यहाँ ये जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए फेमस है ये एरिया, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे नहीं आते, कोई ज़्यादा लोग नहीं आते यहाँ पे, बिल्कुल खाली रहता है ये एरिया। चलिए आपको पूरा
व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ही मतलब अकेला अकेला है जगह एकदम। और यहाँ पे लगभग 1600 ब्रिटिश जो आए थे यहाँ पे, उनको दफनाया गया था, उनका डेड हो गया था। और जो सारे डेथ हुआ था उनका यहाँ पे बहुत ही कम एज में हुआ था, और लड़ाई की वजह से नहीं हुआ था। ज़्यादातर उनको बीमारी से मर गए थे वो लोग, स्पेशली कॉलेरा और इस टाइप का जॉन्डिस मलेरिया से मर गए थे वो लोग। और दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, अकेला आया हूँ यहाँ पे, दो चार लोग मतलब लोग कपल से यहाँ पे दो चार। उनका जो डेट हुआ था 89 में, या फिर बॉर्न 89 में इनका बॉर्न था, इनका डेट हो गया 1831 में। जो प्लेस है बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है भाई, क्या बोलूँ। दिन में अभी टाइम हुआ है, 2:30 बजा हुआ है अभी, लेकिन एक जगह सच में बहुत क्रीपी है, शहर के बीच में है, फिर भी यहाँ पे मतलब जो लोग मतलब भूत भूत पे यकीन करते हैं ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे यकीन करते हैं, मतलब दिमाग पे हमेशा घूमता है उनका, उन लोगों का तो हवा टाइट हो जाएगा भाई यहाँ पे अकेला आगे आने से। और ये जो है आपको 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे से खुला मिल जाएगा यहाँ पे। तरह तरह के का मतलब जो कवर है उनके, जो तरह तरह का बनाया गया है, देखिए जो थोड़ा यूनिक डिज़ाइन का है, मतलब बहुत ही यूनिक है, इसका कोई स्टोरी भी नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कुछ इधर उधर में। ये जो बहुत यूनिक डिज़ाइन का है, इनका मुझे लगता है जो बड़े बड़े साइज का जो कवर है ना, इनको कोई सबसे बड़े बड़े जो साइज का कवर है वो लगता है कोई बड़े आदमियों का होगा, मतलब ऑफिसर रैंक का होगा। और छोटे भी बहुत सारे जो कितने साल 200-300 सालों से पड़ा हुआ है, तो इस प्लेस जो है मतलब एकदम क्या बोले ख़त्म हो गया, एकदम टूट फूट के गिर रहा है चारों तरफ से, इनका नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा है यहाँ से। ये भी है, यहाँ पे जितने भी सोल्जर आए थे ना, सब के सब बहुत ही कम उम्र में मारे गए थे। कितना साल पुराना है यहाँ, फिर भी ऐसे ही बना हुआ है, देख के भी अच्छा लगता है जो अभी तक इनको रखा गया है सही से, जो सही से तो नहीं लेकिन रखा गया है। कहाँ जा रहा हूँ भाई,
ये वाला जो है तो इंडियन टेम्पल स्टाइल का है। हमारे यहाँ पे जो होता है एक कौन से सिक्का है जिसे देखना पड़ेगा थोड़ा, तो देखते हैं। ये देखो इंडिया में हमारे जो मंदिर होते हैं उस टाइप के हैं, ये इंडिया में जो मंदिर बनते हैं उस टाइप का है यहाँ पे कुछ। ये है तो पूरा एकदम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, इस तरीके से देख लेते हैं क्या है। कोरोना के लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जगह जो है बंद पड़े हुए हैं, टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे स्पेशली कपल्स जाते हैं, तो यही जगह जो है खाली पड़ा हुआ है, मतलब खुला है अभी, तो इसीलिए लगता है कपल्स लोग जो है यहाँ पर ही आते हैं। अच्छा कहाँ जाएंगे घूमना तो पड़ेगा भाई, कितना दिन घर में रहेंगे लोग। आप अगर यहाँ पे कैमरा लेके आते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो अलग टिकट होता है 50 रुपीज़, और वरना अगर कैमरा नहीं है आपके पास तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा। यहाँ पे जो है बहुत सारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है ऐसा सुना गया है, बहुत सारे लोगों ने बोला ये। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा भाई, खाली मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा है शहर के बीच में। ये जो बिल्कुल शहर के बीच में है, मेरा BSNL का नेटवर्क है तो कोई नेटवर्क गायब है यहाँ से, पता नहीं क्यों। पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकता है और फिर BSNL का भी चैलेंज हो सकता है। थोड़ा जंगल देख रहे हो कितना घना है, अंदर चला गया था थोड़ा, उधर कुछ अलग ही सीन चल रहा था तो कैमरा बंद कर दिया इसलिए। सो बाहर से ही देखना सही होगा हम लोगों का। अगर आपको मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में आपको यकीन है ना, मतलब आप बिलीव करते हो, तो अगर आप यहाँ पे आओगे सच में आपको डर लगेगा। और अगर आपको नहीं करते जब मेरे तरह है तो झांटा है।
हेलो फ्रेंड्स, आज दिसंबर 5 तारीख है। मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ अभी आज बैठ कर, लेकिन मैं यहाँ पे गया था ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन पहले गया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारा रिकॉर्डिंग किया था, बहुत सारा क्लिप्स लिया था, मेरा शॉर्ट लिया था, उनमें से 70% वीडियो फुटेज जो था वो ख़राब हो गया मेरा। मैंने पहले सोचा था वीडियो में डाउनलोड ही नहीं करूँगा, अपलोड ही नहीं करूँगा, एडिट ही नहीं करूँगा, लेकिन मैंने सोचा फिर सोचा कि कर दूँ। सो ऑलमोस्ट 25 दिन पहले गया था, ज़्यादातर वीडियो मेरा ख़राब हो गया, तो मैं वो रिकवर नहीं कर पाया। और जो हुआ वो ये हुआ कि उससे पहले भी कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, उससे बाद भी नहीं ऐसा हुआ। मैं GoPro यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल उस सेमिट्री में जाने से ही, मतलब इस शॉट के बाद ही, मतलब लगातार 2 बार मेरा कैमरा बंद हो गया रिकॉर्डिंग करते हुए, 2 बार। उससे पहले भी कभी नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं हुआ। मैं तो ऑलमोस्ट रोज ही जाता हूँ कुछ ना कुछ शॉट लेने, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और पर्सनली मैं कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो जगह है थोड़ा हॉन्टेड माना जाता है, आप गूगल पे सर्च करने से भी आपको मिल जाएगा। सो इसलिए मैंने सोचा कि शेयर करूँ ये बात आपसे। मतलब कोइंसिडेंट भी हो सकता है, जो भी समझना चाहो आप समझ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और आप यहाँ पे घूमने के लिए भी जा सकते हो, पर्सनली देख सकते हो, मज़े ले सकते हो, अच्छा जगह है, एडवेंचर भी फील होगा आपको। सो थैंक यू।